YouTube चैनल विनर्स टेक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको जो आउटडोर यूनिट दिखाई दे रहा है, ये 5 टन का आउटडोर यूनिट है और ये डबल कंडेंसर फैन वाला आउटडोर यूनिट है। इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसकी वायरिंग कैसे होती है मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये मैं आपको पूरा यूनिट जो है ये दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा यूनिट कुछ इस तरीके से है और ये इसका ब्रांड नेम हम देख लेते हैं। ये ब्रांड नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, ये ब्रांड नेम जो है सैन्यो कंपनी का है। तो इसकी वायरिंग जानने के लिए सबसे पहले हमको इसके ऊपर का जो कवर खोल लेना होगा, जो भी इसमें स्क्रू लगे हुए हैं इसका जो है कवर खोल लेना होगा। तो इसका ये वाला स्क्रू जो है हमको निकाल लेना होगा, उसके बाद से हम इसकी वायरिंग कैसे है वो हम जान लेंगे। मैं आपको आगे से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप, ये डबल कंडेंसर फैन है। अब इसका जो इधर एक और स्क्रू लगा हुआ है इसको भी ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम इसकी वायरिंग जो है जान लेते हैं, इसकी वायरिंग होती कैसे है। तो आप देख पा रहे होंगे इसको हम ओपन करके कवर को साइड में रख लेते हैं, उसके बाद से इसकी मैं वायरिंग आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वायरिंग बॉक्स है और ये जो है आपको यहाँ पे ये कंडेंसर फैन है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कंडेंसर फैन है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दो दो कंडेंसर फैन जो है लगा हुआ है, दो कंडेंसर फैन इसमें लगा हुआ है। तो हम इसकी वायरिंग जान लेते हैं। तो हमको ये आप देख पा रहे हैं ये वायरिंग बॉक्स है, तो ये वायरिंग बॉक्स है तो ये भी जो है प्लेट जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये निकालेंगे तो इस तरीके से कुछ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं स्क्रू को। ओपन करने के बाद आई होप कि ये कवर जो है निकल जाएगा क्योंकि एक ही स्क्रू इसमें लगा हुआ है। तो देख पा रहे हैं ये जो है कवर जो है आसानी से ओपन हो चुका है और इसमें इसमें का जो है कंप्रेसर और जो भी इसमें पार्ट लगे हुए सब आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से बता सकूं। ये आप देख पा रहे होंगे ये कंप्रेसर है, ये एक्युमुलेटर है और यहाँ पे लिक्विड रिसीवर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसकी वायरिंग जो है जान लेते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे है। वायरिंग जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें ये जो आपको सामने दिखा रहा है वायरिंग थोड़ा सा इसमें उलझा हुआ है, तो इसको मैं आपको अच्छे से फिर भी हम समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके वायरें थोड़ी उलझी हुई है। ये आपको दिखा दूं कि ये एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, 3 पोल का कॉन्टेक्टर है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। ये पुश बटन है जो कि आपको यहाँ पे ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ये पुश बटन है। ये देख पा रहे हैं 1, 2, 3 ये 3 पोल का कॉन्टेक्टर है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। और एक और कॉन्टेक्टर लगा हुआ है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक और कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक और कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको पूरी इसकी वायरिंग समझ में आ जाए। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक फैन कैपेसिटर लगा हुआ है और एक फैन कैपेसिटर आपको यहाँ पे लगा हुआ है। ये दो फैन कैपेसिटर इसीलिए है कि जो है आपके कंडेंसर यूनिट में आपको यहाँ पे दो कंडेंसर फैन दिया हुआ है, इसीलिए दो कंडेंसर फैन का जो है कैपेसिटर लगा हुआ है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, एक बड़ा वाला व्हाइट कलर का मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, एक ब्लैक कलर का, ये काम कैसे करता है। तो दोनों मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर एक ही तरीके से काम करता है, तो ये कैसे काम करता है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्टर रहेगा उसमें एक कॉयल बना रहता है, जो कॉयल को जब पावर जाता है तो इसमें मैग्नेट रहता है। मैग्नेट जो है इसको जो है यहाँ पे पुश बटन दिखाई दे रहा है, इसको अपने तरफ खींच लेता है, पुल कर लेता है, तो जिसकी वजह से ये कॉन्टेक्टर का जो लाइन है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे यहाँ पे लाइन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये लाइन आपस में मिल जाता है, जिसको पावर जो इन होता है वो आउट होने लगता है। इसका कॉयल क्या है, कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा
यहाँ पे ये कॉयल का पॉइंट है, यहाँ पे A1 देखने को मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाई दे, यहाँ पे आपको A1 मिल जाएगा देखने को, और यहाँ पे जो है दूसरे साइड में A2 देखने को मिल जाएगा। A1 और A2 यहाँ पे आपको कितने कॉइल वोल्टेज का कॉइल को वोल्टेज चाहिए होगा यहाँ पे लिखा रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे 200 और 240 दोनों वोल्टेज रहेंगे तो इसमें चल जाएंगे। तो ये 240 वोल्टेज पे ये काम कर रहा है, और इसी तरीके से जो है ये ब्लैक वाला जो यहाँ पे कॉन्टेक्टर दिखाई देगा ये भी इसी तरीके से काम कर रहा है। ये आपको साइड में आपको इसका कॉइल देखने को मिलेगा, ये और ये इधर, ये साइड में इसके साइड में इसको कॉइल मिलते हैं, लगे रहते हैं। तो ये इसको हमको 220 का पावर देना होता है। तो अभी हम इसकी वायरिंग जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, और यहाँ पे कुछ नंबर्स देखने को मिल जाएंगे, कुछ वायर्स देखने को मिल जाएंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर और 2 नंबर जो है ये फेस और न्यूट्रल है, और इधर भी 1 नंबर और 2 नंबर फेस न्यूट्रल है, देख पा रहे होंगे। यहाँ से लूप करके यहीं पे दिया हुआ है, व्हाइट वाला लूप करके ये 2 नंबर पे दिया हुआ है, 1 नंबर वाला ब्लू वाला लूप करके 1 नंबर पे, और 2 नंबर वाला लूप करके 2 नंबर पे। लेकिन ये इस पे जो है कोई भी लूप नहीं है, ये आपको कमांड का पावर है, यहाँ से आपको कमांड जाता है, जो कि इंडोर से आपका कमांड आता है। तो ये वाला कमांड जो है आपको कॉन्टेक्टर पे जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेड वायर लगा हुआ है, यहाँ पे रेड वाला वायर ये आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्टर गया हुआ है A2 के पॉइंट पे। A1 या A2 किसी पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 220 का पावर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल दिया हुआ है डायरेक्ट, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, ये व्हाइट वाला वायर, ये वाला वायर आप देख पा रहे होंगे, ये व्हाइट वाला वायर आपको यहाँ से जो आ रहा है यहाँ पे 2 नंबर से, 2 नंबर का पावर जो है न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल आपको कॉन्टेक्टर पे दिया हुआ है, और फेज जब इंडोर से आएगा यहाँ पे रेड वाले से, तो आपका कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा, और कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा तो आपका जो पावर यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टेक्टर में, ज्यादातर इसमें फेज और न्यूट्रल देते हैं। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सा पावर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ये रेड कलर का है, और ये भी एक, इसमें दो ही पॉइंट यूज किया गया है, क्योंकि तीसरा ये 3 फेज का नहीं है, सिंगल फेज का यूनिट है, इसीलिए 2 पॉइंट को यूज किया गया है। और एक पावर यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ से निकल के आपको कैपेसिटर पे जा रहा है, ये कैपेसिटर पे जा रहा है, यानी कि यहाँ से कैपेसिटर से आपको कंप्रेसर का रनिंग का पावर जा रहा है, कैपेसिटर से कंप्रेसर का रनिंग का पावर जा रहा है। और ये रेड वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड वाला ये आपको कंप्रेसर का कॉमन का पॉइंट जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंप्रेसर का टर्मिनल है। तो ये वाला जो है आपको कॉमन के लिए जा रहा है, और ये वाला रनिंग के लिए जा रहा है। रनिंग और कॉमन हमको कैसे पता चलता है, जो भी कैपेसिटर से अगर पावर जा रहा है वो पावर आउट हो रहा है और वहां से कंप्रेसर के लिए जा रहा है, तो ये वाला रनिंग होता है। और इसके बगल से जो निकलेगा टर्मिनल से, यहाँ पे देख पर एक और पॉइंट है कैपेसिटर पे, तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग का पावर जाएगा, जो कि कंप्रेसर के स्टार्टिंग को पावर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्हाइट वाला एक वायर लगा हुआ है, ये व्हाइट वाला मोटा वायर हम देख लेते हैं कहाँ पे गया हुआ है। तो ये वाला वायर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला वायर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये स्टार्टिंग के लिए गया हुआ है, सिंगल फेज का कंप्रेसर है, और इसीलिए आपको ये कैपेसिटर से दिया हुआ है। तो जैसे ही आपका कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा तो आपका पावर जो है कैपेसिटर पे जाएगा, और कैपेसिटर से आपका कॉमन मिलेगा, कैपेसिटर से रनिंग मिलेगा कंप्रेसर को, और यहाँ से कॉमन मिलेगा कंप्रेसर को, तो ये आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अब कंडेंसर फैन की जो हम बात कर लेते हैं, कंडेंसर फैन ये जो दोनों लगा हुआ है, इसकी जो वायर है यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, इसमें जो इसकी सारे दोनों कंडेंसर फैन की वायर आई हुई है, इसको हम जान लेते हैं ये कैसे है। तो इसमें आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, ये 2 वाइट है, बहुत सारे इसमें थोड़ा उलझे हुए वायर हैं, इसीलिए आपको उतना क्लियर नहीं होगा, फिर भी मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसमें जो है सेपरेट कैपेसिटर दिया हुआ है, नहीं ये दोनों वायर जो है कैपेसिटर के लिए है, और इस एक कैपेसिटर में भी दोनों वायर कैपेसिटर के लिए होगा, और इसका दो एक फेस और एक न्यूट्रल जा रहा होगा। और फेस और न्यूट्रल कहाँ से जा रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो और फेस और न्यूट्रल दोनों जो है इसको यहाँ से मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे
एक ग्रीन, ये ग्रीन वाला एक नंबर का पॉइंट है, जो ग्रीन वाला एक नंबर का ग्रीन वाला पॉइंट है, ये वाला वायर है, ये वाला वायर आपको दे रहा है दो नंबर से, दो नंबर आपका क्या है न्यूट्रल है, और इसी में एक और ग्रीन का कलर का वायर है। कलर कोड पे आप कभी भी मत जाइए, आपको देखना है कि पावर कहाँ से आ रहे हैं। ये वाला वायर आपको दिया है एक नंबर पे, यानी एक नंबर से फेज आ रहा है, दो नंबर से न्यूट्रल, और फेज और न्यूट्रल को यहाँ पे दिया हुआ है एक और दो में, यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ से आउट होके यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ और दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वायर बहुत ज्यादा ही उलझा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप ये देख पा रहे होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे, मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि यहां से ये देख पा रहे हैं, यहां से जब ये कॉन्टेक्ट एनर्जाइज होगा तो ये प्लेट जो है यहां से जो न्यूट्रल रहेगा वो इधर भी चला जाएगा, और यहां का जो फेस रहेगा इधर चला जाएगा, तो ये जैसे पुश होगा तो यहां से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। ये न्यूट्रल, ये दोनों जो है ग्रे कलर का वायर है, दोनों ग्रे कलर का वायर है, और दोनों व्हाइट कलर का वायर है, ये कंडेंसर मोटर का वायर है, इसको फेस और न्यूट्रल चाहिए, जो कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। ये दोनों जो है, ये दोनों जो है व्हाइट है, और ये दोनों है जो ग्रे है, ये कंडेंसर फैन का है, दोनों को फेस और न्यूट्रल चाहिए, और आपको कैपेसिटर का पावर यहाँ, कैपेसिटर यहाँ से मिल जाएगा, आपको देख पा रहे होंगे यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ, ये कैपेसिटर यहाँ से लग जाएगा, और ये यहाँ से कैपेसिटर लग जाएगा, दोनों को फेस न्यूट्रल एक ही साथ दिया हुआ है, इसमें देख पा रहे होंगे दो दो वायर लगा हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देख पा रहे होंगे। तो ये कंडक्टर कब एनर्जाइज होगा, ब्लैक वाला आपको जो दिख रहा है कंडेंसर फैन का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो यहाँ पे आपको कमांड का जो वायर है, यहाँ पे सीपी का वायर है, जो रेड कलर का वायर है, ये आपको जो जा रहा है व्हाइट वाले कॉन्टेक्टर पे, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और यहीं से लूप होके जो है, मैं दिखा देता हूँ, यहीं से जो लूप होके येलो वाला वायर है, ये वाला येलो वाला वायर है, यही वाला येलो वाला वायर जो आपको ये ब्लैक वाले कॉन्टेक्टर पे जा रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे होंगे ये येलो वाला वायर है, ये येलो वाला वायर है, यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे न्यूट्रल मिल रहा है, न्यूट्रल आपको कंटिन्यू मिल रहा है, और जैसे ही आपको यहाँ पे फेस आ रहा है, फेस जब आ रहा है इंडोर से, कमांड आ रहा है, जैसे ही कमांड आ रहा है तो आपको ये व्हाइट वाला कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो रहा है, और साथ ही साथ ब्लैक वाला भी कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जा रहा है। तो इसकी जो वायरिंग है कुछ इस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको पता चल गया होगा कि इसमें कंडेंसर फैन का वायर कहाँ से दिया हुआ है, वायरिंग कहाँ से किया हुआ है, और कंप्रेसर की वायरिंग कहाँ से की हुई है, और मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का काम कैसे होता है, और कैसे काम करता है, और कैसे एनर्जाइज होता है, ये सब का आपको पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एसी से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज का सिर्फ वीडियो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।